हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच डिशेस। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस अरबी की सब्जी। ये लंबी वाली हमने अरबी ली है, इसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये भी हमने पहले से इसको धुल के अच्छे से ले लिया है, इसको काट लेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड होती है, इस वजह से आराम से काटना होता है, नहीं तो हाथ भी कट सकता है। तो इसको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा पील कर लेंगे। हाथों में आप सरसों का तेल लगा लें जिससे कि खुजली ना हो, क्योंकि वो पील करने के टाइम पे हल्का सा पानी निकलता है, इसको हाथों में लगने से हल्की हल्की सी खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑयल लगाने से खुजली नहीं होती है। इस तरह से इसको अच्छे से पील कर लेंगे। फिर पील करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये भी हमने आधी ली है, आधी को नहीं पील किया है क्योंकि हम आधी ही बनाएंगे बस दो लोगों के लिए। तो इसको इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसे पीसेस आपको चाहिए। फिर इसको बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से धुल लेंगे, जिससे जो इसका स्टार्च टाइप में निकलता है वो अच्छे से निकल जाए। इसको इस तरह से धुलने के बाद फिर हम इसका मसाला बना के तैयार करते हैं। ये दो मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, इनको रफली चॉप कर लेंगे। दो गार्लिक लिए हैं, फिर दो ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर जार में सारी चीजों को अच्छे से डाल के इसका एक बढ़िया से स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखिए, बढ़िया से हमने स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया। अब इसको साइड में रख देंगे। पैन में डालेंगे सरसों का ऑयल। ये हमने दो बड़े चम्मच के करीब सरसों का ऑयल लिया, उसमें अपने अरबी को डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर भी डाल दिया था। डालने के बाद ढक के इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका मसाला तैयार करते हैं। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा बिल्कुल नमक लिया, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये दो टेबल स्पून के करीब दही डाला है। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें कसूरी लाल मिर्च भी डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। फूलने के लिए इसको साइड में रखेंगे, तब तक ये अरबी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेंगे तेल से। फिर उसी तेल में ये हमने बेसिक से खड़े मसाले लिए, इसमें अजवाइन जरूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इनको डाल देंगे और डालने के बाद इनको अच्छे से चटकने तक पका लेंगे खड़े मसालों को। ये हमने सेम वही ऑयल यूज किया है जिसमें हमने अरबी फ्राई की थी, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये जो मसाला पेस्ट बना के रखा है प्याज को, उसको भी डाल देंगे और इस तरह से कलर चेंज होने तक अच्छे से पका लेंगे। इसमें डालेंगे जो मसाला हमने भिगो के रखा था, उसको भी डाल देंगे। और डालने के बाद इसको इस तरह से मिक्स करते हुए, जब तक ऑयल रिलीज ना कर दे मसाला हमारा, तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है इस तरह से। फिर हम इसको ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला भी हमारा बढ़िया से पक चुका है, ऑयल भी रिलीज कर चुका है। इसको हमने बीच बीच में खोल के 2 से 3 बार चला लिया था अच्छे से। तो ये देखें, मसाला हमारा बढ़िया से पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने अरबी फ्राई करके डाल रखी थी, उनको भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है और झटपट से बनके भी तैयार हो जाती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो ये देखिए, अभी मसाला भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अरबी में कोट हो चुका है। फिर इसे हम कम से कम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अरबी के साथ मसालों को अच्छे से भून लेंगे और इससे स्वाद और भी अच्छा आता है सब्जी का। फिर इसमें हमने ये 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, अभी बढ़िया से पक के तैयार हो चुकी है हमारी सब्जी। इसको बीच में भी हमने 1 से 2 बार अच्छे से खोल के मिक्स कर लिया था। ये देखिए, बढ़िया से पक के तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है। अभी से फिर इसमें डालेंगे हरी धनिया, बस मिक्स कर देंगे। ये बढ़िया से हमारी सब्जी अरबी की बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चपाती के साथ या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक